प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सेवा क्या है, उसके क्या गुण हैं, कैसे सेवा के ज़रिए हम अपने मकसद तक पहुँचते हैं, और कौन से लोग हैं जो खुशनसीब हैं जिन्हें सेवा करने का मौका मिलता है, इस और गुरु रामदास जी महाराज ने हमारा ध्यान दिलवाया। धरती पर इस समय 6 बिलियन लोग से ज़्यादा जी रहे हैं। 84 लाख जिया जो उनमें कितने करोड़ों अरबों खरबों रूहें भटकी हुई हैं, लेकिन मानव चोला 6 बिलियन लोगों को मिला है। उनमें से चंद भाई बहन खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें किसी पूर्ण महापुरुष के दर्शन करने को मिलते हैं। लाखों की संख्या में वो होंगे जिन्होंने शायद सत्संग में दर्शन किए, जैसे संत सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जब उनके सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, संतकृपाल सिंह जी महाराज गाड़ी में भी जा रहे हैं तो कई लोगों को उनके दर्शन हुए, कहीं और जगह पर गए तो ऐसे कई लाखों लोग ऐसे होते होंगे जिन्हें एक पूर्ण महापुरुष के दर्शन करने का मौका मिलता होगा। परसेंटेज बहुत कम, 6 बिलियन में से अगर कुछ लाख लोग भी हों, उनमें से चंद भाई बहन होते हैं जिन्हें नाम की देन मिलती है। वो और खुशकिस्मत जिन्हें नाम की देन मिली हो, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय में कोई 1.25 लाख लोगों ने ऑफिशियली उनसे नाम की देन ली, आँखों के ज़रिए जिन्हों को उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया हो, उसकी संख्या तो गिननी मुश्किल है। और फिर उन भाई बहनों में से जिन्हें नाम की देन मिली है, चंद होते हैं जिन्हें सेवा का मौका मिलता है। तो सेवा का मौका मिले, ये एक भाई बहन जिसे नाम की देन मिली है उसकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो सेवा कैसे हमें करनी चाहिए, सेवा किस प्रकार की है, सेवा कौन कौन कर पाता है, और जिस खुशकिस्मत को सेवा करने का मौका मिलता है उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है, उसको उस तोहफे का फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए, ये इस शब्द के ज़रिए गुरु रामदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि सद्गुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम दयाया हर घनी। धनी कौन है, प्रभु का धन प्राप्त करने वाला कौन है, हर धनी। जिस मिल हर नाम दयाया, कि जब हम सिमरन के ज़रिए, ध्यान टिकाने के ज़रिए शब्द के साथ जुड़ते हैं और फिर शरीर से ऊपर उठ पाते हैं, पिंड अन ब्रह्मांड पार ब्रह्म को पार कर सचखंड में पहुँचते हैं, और आत्मा का मिलाप पहले अपने सद्गुरु में होता है, फिर वो हमें पिता परमेश्वर में हरि में मिला देते हैं, तभी सब जहानों का धन हमें मिलता है, तभी हम धनी कहलाते हैं। अगर इस ज़िंदगी में आकर पिता परमेश्वर को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उनसे मिले नहीं, तो फिर इस दुनिया का जितना भी धन कमा लें, जितनी भी शोहरत कमा लें, वो बेकार है। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए। तो यहाँ पर हमें गुरु रामदास जी महाराज समझा रहे हैं कि सद्गुरु सेवा सफल है बनी, कि एम क्या है। एम तो है आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाना,
और उस एम को पूरा कैसे किया जाए कि एक पूर्ण महापुरुष की हमें संगत में आकर नाम की दान मिलने के बाद सेवा करने का मौका मिले। तो सेवा चार किस्म की होती है, तन की, धन की, मन की और सूरत की। तो तन की सेवा किस किस्म की हुई? अब जैसे मिशन में लंगर में सेवा, प्याऊ पे सेवा, बाइसिकल स्टैंड पे सेवा, सिक्योरिटी में सेवा, पंडाल में सेवा और तरह तरह की सेवाएं, जिसमें के तन की ज़रूरत होती है। जो भाई बहन इस किस्म की सेवा में लगे होते हैं उन्हें मौका मिलता है कि अपने तन के ज़रिए वो और मदद कर पाएँ। सेवा का मतलब क्या है कि किसी की मदद करना, वो सेवा निष्काम होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमने सेवा की है तो हमें अब क्या मिल रहा है। जब हम इस भाव से सेवा करते हैं कि हमें इसका कुछ फ़ायदा होगा तो वो सेवा नलीफाई हो जाती है, रिद हो जाती है। तो सेवा निष्काम भाव से होनी ज़रूरी है। जब हम सेवा कर रहे हों, किसी भी कार्य में लगे हों जिसमें के तन की ज़रूरत है। अब हज़ारों लाखों लोग सत्संग के प्रोग्रामों में आते हैं, उन्हें बैठाना, आराम से बैठाना, चाहे कोई बाहर ट्रांसपोर्टेशन में लगा हुआ है, किसकी गाड़ियाँ ठीक से पार्क हो जाएँ, मोटरसाइकिल रखे जाएँ, साइकिलें रखी जाएँ, उनको पानी मिले, वो लंगर छक सकें और तरह तरह की सेवाएं, ताकि जो भाई बहन मिशन के साथ जुड़े हैं उन्हें महापुरुषों के वचन सुनने को मिलें। वो भाई बहन जिनका ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगा हुआ है, वो वहाँ से हटकर पिता परमेश्वर में लगे, तो वो सेवा तन की सेवा है। के साथ साथ दूसरी सेवा धन की है कि हम में से कई भाई बहन ऐसे हैं और बहुत से हैं जिन्हें प्रभु ने बहुत कुछ दिया, पिता परमेश्वर की दया मेर हुई। असंत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक नियम हमें अपने आप को पिता परमेश्वर के पास ले जाने के लिए बाकायदे किसी रोज़ाना अभ्यास करने के लिए कहा। तो उन्हें एग्जाम्पल लेके कहा कि 10% दिन का समय हम अभ्यास में दें। तो वो 10% क्यों आया, कहाँ से आया कि बार बार महापुरुष समझाते हैं कि जो हमारी कमाई है उसका 10वां हिस्सा हम सेवा में दें। अपनी अपनी सच्चाई की कमाई का हिस्सा सेवा में लगाना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। तीसरी सेवा मन की है। मन की सेवा, मन बुद्धि का इस्तेमाल करना। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनकी समझ है, वो मन के ज़रिए, कोई मिशन के लिटरेचर में काम करता है, कोई आजकल के टाइम में सत्संगों की डी टेपिंग करके, चाहे उसे वीडियो में बनाओ, चाहे ऑडियो में बनाओ, चाहे किताबों में बनवाओ, उस किस्म की सेवा जिसके ज़रिए के बुद्धि का इस्तेमाल हो, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो और उसके ज़रिए हम औरों तक महापुरुषों के वचनों को पहुंचा सकें, चाहे वो पब्लिकेशंस हो, चाहे वो पीआर हो, जिसमें कि मन बुद्धि का इस्तेमाल हो। मन की सेवा के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि मन बुद्धि का इस्तेमाल हो और दूसरा ये है कि मन को ऐसी स्टेज तक पहुंचाना जिसमें
कि उसका विश्वास अपने सद्गुरु में पूर्ण हो। ये मन की सेवा का दूसरा हिस्सा। हम लोग मुंह से बोलते कुछ हैं लेकिन हमारी समझ कुछ और ही होती है। हम लोग महापुरुषों के दर्शन करके, उनसे नाम की देन लेकर, भजन अभ्यास में समय ना लगाते हुए कभी यहाँ भटकते हैं, कभी यहाँ भटकते हैं, कभी यहाँ माथा टेकते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, सोचते हैं शायद यहाँ से कुछ मिले, इधर से भी ले लो, यहाँ से मिले, इधर से भी ले लो, यहाँ से भी इधर ले लो, तो हमारा विश्वास अपने सद्गुरु में पूर्ण तरीके से नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मन हमें भटका रहा है, कभी यहाँ बहता है, कभी वहाँ बहता है, कभी वहाँ बहता है। तो मन उस अवस्था में हो जिसमें ये पूर्ण तरीके से हमारा विश्वास अपने सद्गुरु में हो, वो भी एक मन की सेवा है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ये वाक्य अपने सत्संगों में सुनाते थे कि एक बादशाह था, उसका नाम था महमूद। उसके प्राइम मिनिस्टर था, मिनिस्टर्स थे, जैसा कि हर बादशाह के होते हैं, और बहुत से कर्मचारी थे, बहुत से सेवक थे। तो एक सेवक जिसका नाम आयास था, उससे बादशाह बहुत प्यार करता था। तो जब बादशाह आयास से बहुत प्यार करता था तो जो आसपास के लोग थे वो आयास को सोचते थे कि इससे बादशाह क्यों ज़्यादा प्यार कर रहा, कि अंदर घृणा पैदा होनी शुरू हुई। और फिर वो बादशाह को अयास की कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कर देते थे जब उन्हें मौका मिलता था। तो एक दिन बादशाह जब बहुत कुछ सुन चुका था तो उसको लगा कि किसी तरीके से मैं इनको समझाऊं कि मैं अयास से क्यों ज़्यादा प्यार करता हूँ। बैठक बुलाई, उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, अपने जो बाकी जो भी प्रतिनिधि थे अलग अलग जगहों के, सबको बुलाया और उनको बुलाकर बादशाह ने जहाँ बैठा था उसके सामने एक बड़ा खूबसूरत सा मेज था, उसके ऊपर एक प्याला जो हीरों से जड़ा हुआ था रखवाया, और साथ में एक बड़ा खूबसूरत सा एक डंडा मंगवाया। तो प्राइम मिनिस्टर से कहा कि डंडे से तुम इसको तोड़ दो। प्राइम मिनिस्टर का जहाँ पना, ये इतना खूबसूरत जो जार है इसको तो तोड़ना नहीं चाहिए, तो बहुत खूबसूरत है। तो बादशाह ने जो बाकी मिनिस्टर से उनके भी कहा कि तुम इसको तोड़ दो, तो हर एक ने कोई ना कोई तरीका दे के यही कहा कि ये तो इतना खूबसूरत है, इतना महंगा है, इसको तो हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो बादशाह ने अयास को बुलाया और उसे भी कहा कि डंडा लेके तुम इसको तोड़ दो, ये जो जग पड़ा हुआ है हीरे का। तो उसने डंडा उठाया, एकदम से तोड़ दिया, और जैसे उसने तोड़ा तो प्राइम मिनिस्टर और जो भी मिनिस्टर थे वो बोलना शुरू हो गए, तुमने ये क्या कर दिया, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारा कोई समझ नहीं, इतना ये महंगा कीमती जो ये जार है हीरों से जड़ा हुआ है, तो उन तो सब सत्यानाश कर दिया। और बादशाह ने भी गुस्सा दिखाकर उसको कहा कि तू बहुत मूर्ख है, तूने इतना कीमती जार कैसे तोड़ दिया। तो अयास ने बड़े प्रेम से कहा कि जहाँ पना ये जार बहुत कीमती है, इसका मूल्य लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके जो वचन हैं वो बहुमूल्य हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। तो इस अवस्था तक पहुंचना मन की सेवा। हम लोग तो इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं, जो लगता है हमें फ़ायदा होगा वही करते हैं। तो अपने सद्गुरु में पूर्ण विश्वास होना, ये जानना कि उनका हर शब्द हमारे लिए बेहतर होगा,
उस अवस्था तक पहुंचना ही मन की सेवा है। मन हमें बहुत भटकाता है, कभी यहाँ लेके जाता है, कभी वहाँ लेके जाता है, कभी वहाँ लेके जाता है, कभी वहाँ लेके जाता है। हमें जानना चाहिए कि हर पल हर क्षण हमारे लिए जो कुछ होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। हमारे क्या कर्म है हमें मालूम नहीं, क्यों हम किस स्टेज में से जा रहे हैं हमें मालूम नहीं। तो जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमारे सद्गुरु हमें संभालने का वादा करते हैं, वो चाहते हैं हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। उनकी यही ख्वाहिश है कि जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं कि हमारे सारे कर्म कट जाएं, वो पूर्ण हो, ताकि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो और हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने। तो सेवा मन की, जिसमें कि मन हमारे कंट्रोल में हो, जिसमें कि मन हमारा भटके नहीं, जिसमें कि मन को पूर्ण विश्वास अपने सद्गुरु में हो, वो एक बहुत बड़ी सेवा है जो हम अपने लिए कर सकते हैं। और चौथी सेवा है सूरत की सेवा, कि अपनी आत्मा की ओर ध्यान दें। बार 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 हमें समझाया गया है, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज भी फरमाते थे कि शरीर को तब तक खुराक ना दो जब तक आत्मा को उसकी खुराक ना मिले। तो आत्मा की खुराक क्या है? भजन करना, सिमरन करना, शब के साथ जुड़ना, कि हम रोज़ाना बाकायदगी से समय निकालें और अपनी सूरत की सेवा करें। ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करें। कब होगा? जब हम सिमरन को पक्का कर पाएंगे, जब हमारा सिमरन सही तरीके से चलेगा तभी हमारा ध्यान टिक पाएगा, और जब ध्यान टिक पाएगा तभी हम शरीर से ऊपर उठने के लायक होंगे। क्योंकि अगर ध्यान टिकेगा तो रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे, और फिर उनकी मदद से हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होंगे। तो सूरत की सेवा, अपने आप को एकाग्र करना, शरीर से ऊपर उठना, उस अवस्था में पहुंचना जहां पर हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचें, वो सेवा हमारे हिस्से की है, वो हमने करनी है, वो हम में से सब कर सकते हैं। और वो भाई बहन जो बाकायदगी से रोज़ाना समय भजन अभ्यास के लिए निकालते हैं, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर गुरु रामदास जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि सद्गुरु सेवा सफल है बनी। हर एक किस्म की सेवा, चाहे हम मन से सेवा कर रहे हैं, बाहर की चीज़ों में लगे हुए हैं, तन से सेवा कर रहे हैं, सूरत की सेवा हर एक इंसान कर सकता है। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है, समय निकालना है ताकि हम मंजिल तक पहुंच पाएं। और फरमा रहे हैं जित मिल हर नाम ते आया, हर धनी के सद्गुरु जो मिलता है तो क्या होता है? ये किस मिलने की बात कर रहे हैं? पहले तो हम सद्गुरु के बारे में जानकारी किसी से पाते हैं, फिर सत्संगों में आते हैं, फिर भारी रूप से उन्हें देखते हैं, फिर सत्संगों के जरिए हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगता है, फिर हम नाम की देन के लिए आते हैं। जब हमें नाम की देन मिलती है तो फिर हम अंदर में उनके नूरी स्वरूप को पाते हैं। नामदान के दिन ही उनका नूरी स्वरूप यहाँ शिव नेत्र पर टिक जाता है। और जब हम एकाग्र होकर बैठते हैं, बाकायदगी से बैठते हैं, रोज़ाना बैठते हैं, तो उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जब अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचें। और फिर वही मिलन
सद्गुरु का मिलन है अंदर की दुनिया में, जब हमारी आत्मा उनके नूरी स्वरूप का अनुभव करती है। तो जित मिल हर नाम ते आया, वो कैसे मिलता है? जब हम सिमरन करते हैं, मन को शांत करते हैं। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप जो हमें देते हैं नामदान के दिन, तो वो मन ही मन हम करते हैं, हमारा मन शांत होता है, हम यहाँ एकाग्र हो सकते हैं और तभी हम पिता परमेश्वर के हर धनी जो कुछ इस धरती पर पाने के लिए आए वो सब हमें मिल जाता है। जब वो हमें अंदरूनी यात्रा पर ले जाते हैं, सचखंड में पहुंचाकर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा देते हैं। यहाँ पर गुरु रामदास जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं सेवा भाव कितना ज़रूरी है और उसके ज़रिए क्या क्या हम पा सकते हैं। इस जहाँ का और उस जहाँ का दोनों का धन जो अपनी आत्मा को 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवाना। आगे फरमा रहे हैं जिन हर जपया तिन पीछे छूटी घनी। फरमा रहे कि जिन्होंने प्रभु के नाम का जाप किया, जिन्होंने सिमरन किया, तो उनसे जो मन माया का मोह है वो छूट जाएगा। अभी मुश्किल क्या है कि मन के ज़रिए मोह इस दुनिया के साथ हमारा लगा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ने हमें घेरा हुआ है। हम इस दुनिया को असली समझ चुके हैं और सारा समय इस दुनिया के कार्यों में ही लगा देते हैं। अगर सोचें कि सुबह से शाम तक हमने क्या किया तो हम देखेंगे कि हमारा सारा समय इस दुनिया की किसी ना किसी चीज़ में निकल जाता है। हम इस धरती पर पिता परमेश्वर को पाने के लिए आए हैं, ये हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु रामदास जी महाराज समझा रहे हैं कि जिन हर जपया, कि जिन जिन भाई बहनों ने सिमरन किया, प्रभु के नाम का जाप किया, भजन अभ्यास किया, अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में पहुँचे, तिन पीछे छूटी घनी, के उनका ही लगाव पिता परमेश्वर से होगा और मन माया का जो मोह है जो उनको दुनिया के साथ जोड़ता रहता है वो हटना शुरू हो जाएगा, वो छूट जाएगा। हमारा मोह है दुनिया के लिए क्योंकि इसको हम असली समझते हैं जो हमें दुनिया के साथ जोड़े हुए हैं। तो यह समझा रहे हैं कि कैसे उस मोह को तोड़ा जाए कि सिमरन किया जाए। इसलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम दिन भर सिमरन करें, जब जब मौका मिले सिमरन करें, क्यों? कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है कि जिन नाम ते आया गए मुसक्कत काल, कि 84 लाख जिया जून से मुसक्कत ढाल किसका होता है, 84 लाख जिया जून छुटकारा किसको मिला, जिन नाम ते आया, जिसने सिमरन किया। और वही अपने आप को उज्जवल समझेंगे कि नानक के मुख उजले केती छुटी नाल। जब इस जिंदगी का अंत होगा वही ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मकसद को पाया होगा। अगर हम इस दुनिया में आकर भी पिता परमेश्वर को पा ना सके तो इस सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु रामदास जी महाराज भी फरमा रहे हैं कि जिन हर जपया तिन पीछे छूटे घनी, के मन माया जो हमें खींच रही है उससे छुटकारा पाने के लिए हम सिमरन करें, ध्यान पिता परमेश्वर की और करें। और आगे फरमा रहे हैं कि गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप ले जाए। तो फरमा रहे हैं कि गुरु का सच्चा सिख कौन है, सच्चा शिष्य कौन है, कि हर बोलो मेरे भाई,
कि प्रभु के नाम का जाप करें, ध्यान प्रभु की ओर करें, अटेंशन परमात्मा की ओर हो। बार 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 यही समझाया जाता है कि इस धरती पर आए हैं तो ध्यान दुनिया से हटाकर प्रभु की ओर करें, और हर बोलत सब पाप ले जाए। कि जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हैं तो जितने भी पाप हैं वो सब के सब कट जाते हैं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे रोज़ाना के कर्म, जो क्रियामान कर्म है, रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम कार्य करते हैं, रोज़ाना कर्म होते हैं, वो रोज़ के रोज़ कटने शुरू हो जाते हैं। जब हम भजन अभ्यास में बैठते हैं और सिमरन करते हैं तो हमारे कर्म कटते हैं। तो बार 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 जब हम महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ते हैं तो सेम चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से। इसीलिए सिमरन करना, ध्यान टिकाना, भजन अभ्यास करना, इस पर जोर दिया जाता है। आगे फरमा रहे हैं कि जब गुरु मिलिया तब मन बस आया। मन को बस में करना कोई आसान काम नहीं है। अगर हम सोचें कि अपने आप मन को बस कर लेंगे तो नामुमकिन है। हमारी आत्मा करोड़ों सालों से प्रभु से अलग हुई है, और अपने आप ही हमने प्रभु को पा लिया होता तो हम कब के वहाँ पहुँच गए होते। इसीलिए यहाँ फरमाया गया कि जब गुरु मिलिया तब मन बस आया। कि जब गुरु से हमारी मुलाकात हुई, वो कौन सी मुलाकात, बाहर की नहीं, यहाँ शिव नेत्र पर, दसवें द्वार पर, तभी मन काबू में हो गए, तभी वो हमें फिर अपने साथ अंदर की दुनिया में ले जाएंगे। और आगे फरमा रहे हैं, धावत पंच रहे हर ध्याया, अंध नगरी हर गुण गाया। कि जो पांच इंद्रियां हैं जिन्होंने जहर हमारी ज़िंदगी में घोला हुआ है, कि ये जो पांच इंद्रियां हैं जो हमें प्रभु से मिलने से रोक रही हैं, जो हमारे ध्यान को बाहर की दुनिया में लेके जा रही हैं, रुक जाएंगी, ये शांत हो जाएंगी जब गुरु की ओर ध्यान जाएगा, उनसे मुलाकात होगी, और जब हम प्रभु के नाम का जाप करेंगे। तो सिमरन की ओर जोर दिया गया कि सिमरन करें। जिस ओर हम ध्यान देते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो प्रभु के नाम का जाप करें और अंध नगरी हर गुण गाया, तो क्या होगा कि जो शरीर रूपी नगरी है जिसमें हमारी आत्मा बस रही है, उसमें हम हरि के गुण गाने शुरू हो जाएंगे। कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा। इस वक्त क्या हो रहा है इस शरीर रूपी नगरी में जिसमें हमारा ध्यान है, कभी मूवी के गाने चल रहे हैं, कभी इस चीज़ की बात हो रही है, कभी दुनिया की चीज़ की बात हो रही है, कभी किसी और चीज़ की बात हो रही है। तो वो ध्यान जो बाहर की दुनिया में हटेगा और अंदर में पिता परमेश्वर की ओर ध्यान जाएगा, तो हम पिता परमेश्वर के गुणगान करेंगे, उनके नाम के साथ जुड़ेंगे, और हम फिर 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के लायक होंगे। आगे फरमा रहे हैं कि सद्गुर पग धूर जिना मुख लाई, तिन कूड़ ते आगे हड लिव लाई, ते हर दरगा मुख उज्ज्वल भाई। कई बार जब महापुरुष कुछ कह जाते हैं हम उसको लिटरली ले लेते हैं। अगर खाली बार बार में सोचेंगे, हम सोचेंगे कि जिन्होंने अपने सद्गुरु के पैरों की धूल को अपने यहाँ माथे पर लगाया, दिल से लगाया, ये यहाँ मतलब नहीं है। हम बाहर की क्रिया में रह जाते हैं, अंदर की दुनिया तक पहुँचते ही नहीं। तो यहाँ क्या समझा रहे हैं, सद्गुरु पद गुर, वो समझा रहे हैं कि जो अपने गुरु का नूरी स्वरूप हमारे अंदर है, जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं उस तक पहुँचते हैं, तभी वो हमारे अंग संग होते हैं, हमें अपने साथ लेके जाते हैं। कि सद्गुरु पगदुर जिन मुख लाई, तो जब हम अपना ध्यान टिकाकर यहाँ आसमान सितारे चंद्रमा सूर्य को पार कर अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, तो उस अवस्था की बातचीत कर रहे हैं कि तिन कूड़ ते आगे हट लिव लाई। तो कूड़ क्या है, दुनिया के साथ लगाव,
वही हमें प्रभु से दूर कर रहा है। तो सिमरन करके जब एकाग्र यहाँ शिव नेत्र पर होंगे, अपने गुरु तक पहुँचेंगे, तो दुनिया का लगाव खुद ब खुद दूर हो गया होगा। तो ते हर दरगाह मुख उज्ज्वल भाई, तो कह रहे हैं तभी जब प्रभु की दरगाह में पहुँचेंगे। आखिरी क्षण इस दुनिया में हमारा जब होगा मौत के समय, तो मौत के समय तो यही पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी भर किया क्या, हमारे कर्मों का हिसाब किताब। तो वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, जिन्होंने सेवा की, जो अपनी सूरत की सेवा करते रहे, जो लिखा है कि ते हर दरगाह मुख उज्ज्वल भाई, कि तभी हम प्रभु की दरगाह में एक उज्ज्वल मुंह के माफक होंगे, सफल होंगे कि हमने जो कार्य करने के लिए हमें भेजा गया था वो पूरा किया। अगर हमें कोई काम दिया जाता है करने के लिए, जब हम करके आते हैं बड़े खुश होते हैं, अगर ना करा तो कहते हैं यूं मुंह लटका के पहुंच जाते हैं। तो वो एग्जांपल दिया जा रहा है कि हमारा मुख उज्ज्वल कब होगा, जब वो कार्य पूरा होगा। तो उस कार्य को हमें पूरा करना है, अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचना है। और आखिर में गुरु रामदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु सेवा आप हर भाव है। और फिर एग्जांपल दे रहे हैं कि कृष्ण बलभद्र गुरपग लग ध्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे। तो फरमा रहे हैं कि जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो वो पिता परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है कि गुरु सेवा आप हर भावे, के हरि को क्या बात है, पिता परमेश्वर को क्या भाता है कि हम जिस मकसद से यहाँ आए वो पूरा हो। वो तो चाहते हैं हम 84 लाख जियाजन से छुटकारा पाएं, वो चाहते हैं हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो यहाँ ये समझा रहे कि गुर सेवा आप हर भावे, कि जब हम अपने सदगुरु की सेवा करते हैं तन मन धन और सूरत से, तो वो हरि को भाती है, पिता परमेश्वर को वो अच्छी लगती है। खुशियाँ तब मिलती हैं जबकि सेवा भाव से इंसान जीता है। तो वो एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहा है कि प्रसन्नता प्रभु को कैसे मिलती है। और आगे फरमा नानक गुरमुख हर आप तराए, कि गुरमुख कौन है, जिसका मुख गुरु के जैसा, उसका मतलब क्या हुआ, जो अपने गुरु के बताए हुए तरीके से ज़िंदगी जीता है, जो उनके वचनों पर अमल करता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था, भजन करो सिमरन करो। तो एक गुरमुख अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है। तो फरमा रहे नानक गुरमुख हर आप तरावे, कि ऐसे गुरमुख को पिता परमेश्वर खुद ही खुद तराते हैं, 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा दिलवा देते हैं। तो इस शब्द के ज़रिए गुरु रामदास जी महाराज हमें ये जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना है, उस मकसद को हम कैसे पूरा कर पाएँ वो समझा रहे हैं कि सदगुरु सेवा सफल है बनी, कि हम सेवा में लगें। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ये पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके दर्शनों का मौका मिला। बहुत से भाई बहन हैं जिनको इन महापुरुषों के ज़रिए नाम की देन मिली, और इन महापुरुषों की दया मेर इतनी हुई कि हम में से कईयों को सेवा का मौका मिला। तो हम उस सेवा का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएँ, अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं, पिता परमेश्वर की खुशी मांगें, क्योंकि जब वो खुश होंगे तो सब कुछ हमें अपने आप ही मिल जाएगा। तो मेरी ये पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जैसे गुरु रामदास जी महाराज इस शब्द के ज़रिए हमें सेवा का महत्व समझा रहे हैं, तो हम सब निष्काम सेवा कर पाए। हम जाने कि जब हमें सेवा का मौका मिला है तो वो एक सुनहरा मौका है,
हम जाने कि सेवा निष्काम होनी चाहिए, तभी हम देखेंगे कि हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं वो हमारे लिए ज़रूर सफल होगा। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आँखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं ये सीधे 8-10 इंच आपके सामने फोकस रहा। आँखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आपसे मन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। अगर आप ऊंचा करोगे, जबान से करोगे, कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। आपके सामने अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह मिलेंगे। जो कुछ दिखता है बीच में दिखेगा, और समय के साथ साथ आपको बहुत से नज़ारे दिखने को मिलेंगे। मेरे पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर आए महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज लीव ऑफ।